नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं विधानसभा के प्रत्याशी रहे सुनील यादव और एक अलग छवि है समाज सेवी के रूप में। प्रत्याशी के रूप में भी इन्होंने अच्छा काम किया जनता के लिए, जो काफ़ी प्रशंसा लायक था, लोगों ने काफ़ी सराहा भी है जिस तरीके से देखा जाए तो, और काफ़ी इनका मांग भी है विधानसभा में, क्योंकि सुनील यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार किसी से डरते नहीं और सीधे बेवाक तरीके से जनता से संवाद करते हैं, जनता की बातों को रखते हैं। आज उन्हीं के फॉर्म हाउस में हैं, जो हम आपको दिखाएंगे भी पूरी की पूरी फॉर्म हाउस, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, और हम इन्हीं से बात करेंगे फॉर्म हाउस को लेकर, कुछ जनता के सवाल को लेकर, जो लोग इनके पास आते हैं आखिर उनकी समस्याएँ क्या होती है, उन सबों को चीज़ को लेकर हम इनसे बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं फॉर्म हाउस को लेकर। सर, कितना में लग रहा है कि फार्म हाउस बना हुआ है? ये करीब 5 बीघा में बना हुआ है फार्म हाउस, और इसमें तालाब भी है करीब 1 बीघा में, और जानवर के रहने के लिए भी है, और हमारे स्टाफ लोग भी रहते हैं, पेड़ पौधा भी है, कटहल का, आम का, नींबू का, अमरूद का। ये शुद्ध सोन नदी के किनारे है और यहाँ वातावरण बहुत साफ रहता है, इसीलिए ज़्यादा हम यहीं पर रहते हैं, समय देते हैं, ताकि वातावरण साफ रहेगा तो स्वास्थ्य भी साफ ठीक ठाक रहेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पेड़ और ज़्यादा लगाना चाहिए था। पेड़ तो अभी बारिश हो रहा है, तभी मंगवाएंगे पेड़ और लगेगी। 400 पेड़ करीब इसमें लगवाए थे हम, और कुछ पेड़ हम और मंगवाने वाले हैं हाजीपुर से। अब बारिश अभी शुरू हुई है, अभी 1-2 दिन से तो बारिशें हो रहा है, बारिश अच्छा खासा शुरू हो जाएगा तब लियान करके लगाया जाएगा, कुछ इसमें और पेड़ इसमें लगाया जाएगा। ये सोन के किनारे वाली जगह है, कहीं बाढ़ उड़ आने का भी खतरा होता है क्या? नहीं, आज से करीब 20 साल पहले जब बाढ़ आती थी तो उस समय पानी ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन लगभग 20 साल से जो बाढ़ आती है हर साल, तो वो पानी अब ऊपर चढ़ नहीं पाता है, पानी नीचे ही रह जाता है, अरार से नीचे ही रहता है। और पानी तो आती है, लेकिन पहले हम लोग को याद है कि पहले सोन से में उतरते थे अरार से, तो ज़्यादा गहराई नहीं था, कम था, लेकिन बालू का हर जगह उठाव हो रहा है पूरा बिहार में, तो सोन नीचे जा रही है नदी, तो पानी का जो जलस्तर जो बाढ़ में बढ़ता है तो उतना हो नहीं पाता है, मतलब ऊपर आने भर। एक सवाल ये भी हुआ था कि ये जो खनन माफिया जो है ना, वो उनकी वजह से पानी जो है नहरों में नहीं आ पा रही, ये भी एक सवाल उठी थी बालू को लेकर, जैसे खनन माफिया जो पूरी पूरी बालू उठा ले रहे हैं, जिसके कारण लेयर जो है ना उसके नीचे चला जा रहा है और नहरों में पानी। देखिए, खनन माफिया मतलब क्या कर सकता है, सरकार इसको नीलामी किया है, बंदोबस्ती किया है, सरकार ने नियमित लगातार हर समय पर अपना उसका टेंडर निकाल रहा है, खनन माफिया ले रहा है उसको पैसा दे करके, तो बालू निकालेगा, जब बालू निकालेगा तो उसको फिर माफिया नाम धर दीजिएगा तो उचित नहीं होगा, उसको एक व्यवसाय के रूप में वो पैसा से ले रहा है। और तो जितने भी माइनिंग अफसर है सब आके चेक करते हैं, जांच करते हैं, उस पर कार्रवाई होता है जो ज़्यादा निकलता है उस पर, जो ज़्यादा नहीं निकलता है जो नियम से चलता है उस पर कार्रवाई कभी नहीं होता है। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार जो खनन माफिया उसी को कहा जाता है जो अवैध रूप से बालू को निकालते हैं, जिनके पास लाइसेंस है तो वो तो ठीक ही है, लेकिन अवैध रूप से जो निकाल लेते हैं ना उस पर कार्रवाई करने उस पर सरकार बहुत कड़ी मतलब एक्शन ले रही है। अभी सुने होंगे कुछ दिन पहले बेटा में 87 पॉपलिन जब्त हुआ है, वो अवैध खनन करने वाले के ही जब्त हुआ है, और वैध करने वाला का तो अभी तक नाम सुने नहीं है इस तरह के, और हमारे एरिया में तो बिल्कुल शांत है, आप देख भी सकते हैं कि किसी तरह के यहाँ पर अवैध खनन नहीं होता है, एकदम सब रास्ता कटा हुआ है, जैसे घाट चल रहा था उसके बाद में यहाँ पर कोई एक्शन कोई हरकत नहीं है, यहाँ पर शांतिपूर्वक है। अब बीटा साइड में होता है उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है। जैसे फॉर्म हाउस की बात है, फॉर्म हाउस मान लिया जाए गरीबों के यहाँ शादी उदी होती है तो क्या इसमें जगह मिल पाती है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जगह ही मिलेगा, हर प्रकार के मदद भी होगा। आज भी हम अपना दरवाज़ा खोल के रखते हैं गरीबों के लिए, सुबह से लेकर शाम तक 10-20 आदमी के तो निपटारा हम करवे करते हैं क्षेत्र की। जनता बताया भी जनता दरबार लगवाने की कोशिश भी की जा रही है, फिलहाल उस पर क्या सोच है? देखिए, जनता दरबार बहुत लोग भाई लोग लगाते हैं हफ्ता में एक दिन, लेकिन हमारा जनता के लिए सभी दिन यहाँ पर खुला है दरवाज़ा, यहाँ पर कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं, जब हम यहाँ पर रहते हैं तो जनता आती है, उसका समस्या का समाधान किया जाता है लगातार, क्षेत्र में के जो भी पालीगंज का हो, दुलीन बिहार का हो, आते रहते हैं, उनका समस्या हम जरूर सुनते हैं, जो हमसे बनता है हम उनको मदद करते हैं। एक बार आखिरी संदेश
जनता के लिए, पालीगंज के लिए? हम जनता से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग के लिए पानी की आवाज़ उठाएं। हमारे बाद में बहुत भाई सिद्धार्थ भाई, विक्रम के विधायक राम कृपाल जी भी, संदीप सोर जी भी उठाएं। अब पानी एकदम नहर में खचाखच भरा हुआ है, आप लोग खूब खेती कीजिए आराम से, बहुत किसान लोग खुश हैं। हम जब भी जाते हैं, गुजरते हैं, तो लोग किसान लोग रोक लेता है। कल ऐसा हुआ कि कुदारी चला के आ रहे थे, बूढ़ बुजुर्ग लोग रोक लिया कि रुक रुक बाबू रुक, हो गाड़ी रोको, रोक दिए, पूरा माथा पर रख के लोग आशीर्वाद दिया कि आप आवाज़ उठाए तो कम से कम हम लोगों को पानी टाइम से आ गया। लेकिन एक ही गलती कर ला कि कम से कम 15 दिन पहले आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन उनका भी कहना सही था। लेकिन हम तो इंतजार कर रहे थे कि जीते हुए प्रत्याशी उठाएंगे, नहीं उठाए तो हम उठाएं फिर। अंत में, मेरा नाम भजन लाल कुमार है। जैसा कि आप सुन रहे थे सुनील यादव को, जो कि पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं विधानसभा के, और ख़ास करके समाज सेवी के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान है इनका, इसी वजह से जनता इन्हें प्यार करती है, दुलार करती है। अंत में, मेरा नाम भजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे थे। तब तक के लिए शुक्रिया।